ये भी पेंडिंग। ये सब क्या है चिंटू चौटाला, कैसे एमडी हो तुम, ढंग से काम ही नहीं कर रहे हो। जो दुकान का रेनोवेशन होना था क्यों नहीं शुरू हुआ? अब दुकान की मरम्मत शुरू करा देते तो फिर ऑर्डर कैसे पूरे करते, है कि नहीं? ऑर्डर पूरा कर रहे थे आप? जी जी। बनवारी लाल का मिठाई का ऑर्डर था 1500 डब्बे, वो क्यों नहीं पहुंचे अब तक? क्या बात कर रही हो नानी जी, वो तो मैंने कब का पहुंचा दिया उनको, जगन्नाथ जी को कह करके। हाँ, जगन्नाथ जी को कहकर पहुंचा दिया ना, 1500 डब्बे पहुंचे हैं, मिठाई नहीं पहुंची है। अच्छा बताओ, खाली डब्बे भेज दिए उन्होंने, डब्बों के अंदर मिठाई डाल के नहीं भेजी? बड़े लापरवाह किस्म के आदमी है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी लापरवाह किस्म के आदमी नहीं है, लापरवाह किस्म के आदमी हो तुम चिंटू चौटाला। अरे तुम एमडी किस बात के हो, तुम्हें डब्बों को खोल के चेक करना चाहिए था ना, उसने तो वही किया जो तुमने कहा था कि 1500 डब्बे भेज दो, उसने भेज दिए। हम देख रहे हैं चिंटू चौटाला, आजकल तुम्हारा काम में मन नहीं है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं नानी। नहीं नहीं ऐसी बात है, और हम सोच रहे हैं कि एमडी की पोस्ट से तुम्हें हटाकर किसी और को रख ले, किसी लायक इंसान को। क्या बात कर रही हो नानी जी आप? सही बात कर रहे हैं आप, जाके वो सॉल्व करो जो प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से होगी, जाओ। मैं बात करता हूँ जगन्नाथ जी से नानी जी। ये बात कृष्णा बेटा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा एमडी की कुर्सी चिंटू चौटाला से हटाने का। लोहा भी गरम, अभी के अभी चोट करते, ऐसी बांसुरी बजाऊंगा कि नानी जी एमडी की कुर्सी खुद लाके प्लेट में परोसेगी मुझे। अब आएगा मजा। अजाब गजाब घर जमाई। राधे राधे नानी। अरे जीते रहो बेटा, खुश रहो। नानी जी आपसे कुछ बात करनी थी। तो बोलो बेटा। वो क्या है ना नानी जी, आपको तो पता ही है अमेरिका में मैं बहुत बिजी रहता था, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम था। इनफैक्ट इतना बिजी रहता था कि कभी कभी राधा को भी टाइम नहीं दे पाता था। लेकिन नानी जी यहाँ रहकर तो कुछ काम नहीं है, पूरा दिन ऐसे ही घर पे बैठा रहता हूँ, मुझे ना अच्छा नहीं लगता, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती रहती है। माना मैं घर जमाई हूँ लेकिन अब फ्री की रोटियां तो नहीं तोड़ सकता ना। ए, कैसी बातें कर रहे हो, काम ही काम है। अरे यहाँ को कामों की कमी क्या? अरे शतरंज खेलो, लूडो खेलो, ताश खेलो, हमारी तो पूरी जिंदगी इन कामों में ही बीत गई। मेरा मतलब है कि खाली रहने में भी कोई बुरा थोड़ी ना, खाली रहना भी तो आदमी बिजी रहता है खाली में। हाँ लेकिन नानी जी ये खाली रहना ना मुझसे नहीं हो पाएगा, वो क्या है कि मुझे बहुत आदत है काम करने की, और दूसरी बात माना कि घर का जमाई हूँ पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फ्री की रोटियां तोड़ता रहूं। और ये चेस वेस खेलना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अमेरिका वापस चले जाऊं। हाँ? कम से कम काम वाम तो चालू हो जाएगा। अभी तो तुम आए हो, अपने बने हो, और अभी तुम जाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं हम, हाँ हमसे ना तुम्हें भेजा जाएगा। देखो बेटा हम ऐसा करते हैं, हम शाम तक सोचते हैं तुम्हारे लायक क्या काम हो सकता है। बेटा इतना वक्त तो दे सकते हो ना हमें? जी जी नानी जी, कैसी बातें कर रही है नानी जी, आराम से सोचिए नानी जी शाम तक। जी राधे राधे। राधे राधे। योगा योगा सांस। सोचेंगे। पन्ना जी आप अखर, आपसे तो कहना बेकार है आप। ये क्या? सही है तो मुझे भी पता है, पर क्या सही है, क्या हुआ वो तो बताओ। कृष्णा कृष्णा आया था वो, तो मैंने भी देखा, यहीं पे बैठा हुआ था, गया भी अब तो। कह रहा था अमेरिका जा रहा हूँ। क्यों? कह रहा था कि अमेरिका में बहुत बिजी रहता हूँ, यहाँ तो कोई काम वाम है नहीं, इसलिए अमेरिका चला जाऊंगा। अच्छा, और क्या? मैं कुछ नहीं, जगदम्बे कह रही थी कि बेटा शाम तक रुको, बताते हैं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, बताएं कैसे। ए,
ऐसे बताने में क्या बता देते हमें तो लग रहा बेटा कि वो एमडी की तुम्हारी कुर्सी ना एमडी की कुर्सी खतरे में है। वो भी निकाल लो जेब में से जो दिए। चलो जाओ हो गया काम। सुनो बड़े हो ना आप हमारे। बेटे की जान तो इस काम में लग गया। ये देसी माल विदेशी मोहर कर कुछ कर चिंटू चौटाला कुछ कर। बास तेरे पे झपट्टा मारने को तैयार बैठा है। कुछ तो कर तेरी एमडी की कुर्सी खतरे में है। अब क्या बताएं जमाई बाबू रोज का एक ही रोना है कि आज खाने में नया क्या बनाए। एक ही तरह का खाना बना बना कर हम भी उब गए हैं और घर वाले भी। कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर नया क्या बनाए। ओहो बड़े लाल जी आप भी कमाल कर देते हो कभी कभी। वो कहावत तो सुनी होगी आपने बगल में बच्चा शहर में डिंडोरा। कोई बात नहीं मैं इसे समझाता हूँ। देखो कृष्णा जमाई जी हैं जब इस घर में आए थे नए नए कितने तरह तरह के पकवान बनाए थे अपने हाथों से उन्होंने हैं अलग अलग तरीके के पकवान बनाए थे। घर के सारे लोग उंगलियां चाटते रह गए थे। है ना आई बात समझ में। पिछले 2 महीने से आपकी सारी रिपोर्ट फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ रही है। हैं कुछ ऊपर नीचे हुआ घटा बड़ा कुछ नहीं। पूछो क्यों क्यों कृष्णा साडू भाई की वजह से। भाई वो आपका ध्यान रख रहे थे ना है सही टाइम पे खिलाना सही टाइम पे सुलाना सही टाइम पे पिलाना। अपने हाथों से खाना बना के खिलाते थे आपको है और यहाँ तक कि मिठाई भी बिगड़ चीनी खिलाई। और सुबह सुबह कसरत भी करवाते थे हमें। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ आपकी बीमारी का इलाज है कृष्णा साडू भाई। उनसे बात करो उनको मनाओ कि वो आपका ध्यान रखे हैं। फिर उसके बाद देखना 2 दिन के अंदर आपकी सारी रिपोर्ट टनाटन हो जाएंगी। वही ना आप कृष्णा जमाई जी। हाँ कृष्णा जमाई जी। लेकिन चिंटू जमाई जी वो कहाँ हमारी बात मानेंगे और हमारी बातों पे ये गोभी आलू बनाने बैठेंगे। देखो तुम मनाओगे भी और वो मानेंगे भी। अच्छा वो कैसे। बताता हूँ ये जो जंगल है तुम्हारा इसको पीछे करो और कान इधर लाओ। हाँ इधर लाओ। सही है एकदम सही है चिंटू तुम्हारा काम हो जाएगा पक्का। बहुत सही नाना जी है मिलाओ हाथ इसी बात पे। जय श्री राम जय श्री राम। हो गया नाना और चिंटू का काम। हो गया काम। ओहो मेहंदी मेरे नाम की बेमौसम है। किसी शादी वादी में जाने की तैयारी कर रही हो क्या डॉली जी। अरे चिंटू जी कोई ऐसी वैसी शादी नहीं है। ऐसी शादी ना पहले कभी हुई थी और ना होगी। इस सदी की सबसे बड़ी शादी होने वाली है। हाँ कौन है वो खुशनसीब। संगीता आपकी सहेली। एक पहेली। ओहो डॉली जी क्यों पहेलियां बुझा रही हो हैं। कौन सी पहेली किसकी सहेली। ओफो चिंटू जी संगीता हमारा एक और फेवरेट सीरियल है ना सहेली एक पहेली उसकी हीरोइन उसकी तो आज शादी है बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ आपको बुलाया है। अरे हाँ सिर्फ हमें ही क्या पूरे देश को बुलाया है भाई। पिछले 1 महीने से टीवी पर बता रहे हैं कि आइए शामिल होइए संगीता की शादी में। आज पूरा देश टीवी पर देखेगा चिंटू जी संगीता की शादी का महा एपिसोड और आज उसके पूरे 100 एपिसोड भी पूरे हो रहे हैं। हाँ कैसे देखोगे टीवी तो खराब है। हाँ तो एपिसोड तो शाम को आता है ना और वैसे भी वो शंभू भैया आने ही वाले होंगे टीवी ठीक करने। हाँ शंभू भैया का कॉल है पूछते हैं। चद्दर खराब हो जाएगी। हाँ शंभू भैया आपका बार है टीवी ठीक करने। आज नहीं हो पाएगा टीवी ठीक पार्ट्स नहीं मिल रहे। आपने तो कहा था कि लेकिन हमारी बात तो सुनी महा क्या बात हो गई। वो भैया कह रहे कि आज नहीं हो पाएगा टीवी ठीक पर हमारा महा एपिसोड निकल जाएगा चिंटू जी। चिंटू जी हम शादी मिस नहीं करना चाहते। आप किसी और को बुलाइए किसी और टीवी वाले को। किसी और को बुलाने की क्या जरूरत है डॉली जी है। अरे अपने घर में ये है मेन कलाकार है। घर में मेन महान जीजू। अरे नहीं नहीं जो जा चुका है उसकी बात कभी नहीं करते। जो है जो घर में मौजूद है उनकी बात करूं मैं। कृष्णा साडू भाई भूल गई आप जब उन्हें आए थे घर के अंदर कैसे एक बारी में आपका टीवी ठीक कर दिया था उन्होंने। अरे हाँ हम कृष्णा जी को कैसे भूल गए। हम अभी उनके पास जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं। नहीं नहीं पहले आप मेहंदी लगा लो मेहंदी लगाना जरूरी है। हाँ, बिना मेहंदी तो वहां देखने नहीं देते। अजब गजब घर जमाई।